जय शंकर की। महाराज अभी अभी ज्ञात हुआ है कि रामादल में छोटे तपस्वी का रोग का उपचार किया जा रहा है। क्या कहा? छोटे तपस्वी का उपचार किया जा रहा है? हाँ महाराज, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर जा रहे हैं। यदि वह प्रातः काल से पहले संजीवनी बूटी ले आएंगे तो लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। महाराज ऐसा कदापि नहीं हो सकता, लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता। मैं अभी अपने मित्र कालनेमी के पास जाता हूं। कालनेमी, कालनेमी जय शंकर की। जय शंकर की महाराज, आइए। तुम लंका के पुराने हितैषी और छल और कपट की विद्या में निपुण हो। आपकी कृपा है महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? कालनेमी, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि हमारा राम से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में पुत्र घननाद ने उस छोटे तपसी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया है, परंतु उसके उपचार के लिए हनुमान द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। हम तुमसे यही चाहते हैं कि तुम जाओ और उसके मार्ग में बाधा डालो, जिससे वो समय रहते संजीवनी बूटी ना ला सके और छोटे तपस्वी का अंत हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जिस हनुमान ने आपके देखते देखते संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? आप मेरी बात मानिए तो श्री राम की सुंदर श्याम मूर्ति को अपने हृदय में बसाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। रे दुष्ट, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा। ठहर, पहले तुझे ही यमलोक पहुंचाता हूँ। क्षमा क्षमा महाराज क्षमा, मुझे सोचने का कुछ अवसर दीजिए। सोच ले। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? यही कि तुम जाओ और जाकर हनुमान के मार्ग में बाधा डालो, जिससे वो समय रहते संजीवनी बूटी ना ला सके। जो आज्ञा महाराज। राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत ही चै मोहा। जय श्री राम, जय श्री राम। आहा, उड़ते उड़ते मैं द्रोणाचल पर्वत के निकट आ पहुंचा। कितना सुंदर और रमणीय स्थान है ये, और ये नीचे पृथ्वी पर किसी मुनि का कितना सुंदर आश्रम भी है। किंतु किंतु ये क्या, मुझे बहुत प्यास लगी है और थकान भी हो रही है। क्यों ना मैं इन्हीं मुनि के पास चलूं और इन्हीं की आज्ञा से थोड़ा जल ग्रहण करूं, जिससे मेरी प्यास और थकान दोनों मिट जाए और फिर मैं अपने मार्ग की ओर अग्रसर होऊं। हाँ, यही उचित रहेगा। जय श्री राम। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो बस मुनिवर। मैं प्रभु डालने के लिए कपटी का वेश बनाकर बैठा है, आप उससे सावधान रहिएगा। मैं अपने लोक को चलती। जाओ देवी, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, तो ये दुष्ट रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। कोई चिंता की बात नहीं, इससे भी प्रभु का थोड़ा प्रसाद दे ही देता हूं। जय श्री राम। मुनिवर, आपकी कृपा से मेरी तृष्णा मिट गई, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आओ पुत्र, गुरु मंत्र लो। नहीं मुनिवर, नहीं, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। नहीं नहीं पुत्र, पहले गुरु मंत्र। नहीं महाराज, मेरी बांद्री बुद्धि के हिसाब से पहले
गुरु दक्षिणा देना ही उचित है, गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ गुरु दक्षिणा में दोगे क्या क्या? इतना दूंगा महाराज कि आप लेते लेते थक जाएंगे। अच्छा जल्दी दो, जल्दी दो। पहले आपके चरण स्पर्श तो कर लूं प्रभु। जय श्री राम। काल नेमिल दुष्ट बाद में बाधा बन रहा था। जय श्री राम।